हेलो गाइस, दिस इज आशीष और आज यार मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी बुक जिस बुक को पढ़ने के बाद आप किसी से भी बात करने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। यार आप सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी, कमेंट्स में भी बोलते हैं भाई कोई ऐसा तरीका बताओ यार, हम लोग इतना सा अंदर से डीमोटिवेटेड क्यों फील करते हैं इंग्लिश बोलते हुए, किसी से हिंदी में बात करते हैं, भले ही आप किसी लड़के से बात करने जा रहे हो तभी भी आपको ऐसा फील होता है, एक हेजिटेशन सा। आप किसी अपने प्रोफेसर से बात कर रहे हो, आप नए कॉलेज में गए हो, आपको अपने फ्रेंड से बात करने में प्रॉब्लम सी फेस होती है, तो ये बुक यार, ये बुक एक तरह की बाइबल है। दिस इज द बेस्ट बुक, आप इसको पढ़िए। ये है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस अदर, डेल कार्नेजी ने बुक लिखी है। डेल कार्नेजी एक बहुत ही फेमस अमेरिकन काउंसलिंग करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया किताब लिखते हैं। इनके और भी किताबें हैं जिसमें आपको सारे फंडे क्लियर हो रहे होंगे, यहाँ पे आपको सारी चीजें पता चल रही होंगी। यू कांट विन आर्ग्यूमेंट, हाउ टू अवॉइड एनिमीज, मतलब सारी चीजें इसमें पता चल रही होंगी, कैसी आपको पर्सनैलिटी अपनी बनानी है, ठीक है। एक तरीके से ये कंप्लीट गाइड है कि आपको एज अ ह्यूमन नॉर्मल कैसे रहना है, ठीक है, आपको किस तरीके से दूसरे की बात समझनी है और खुद बकबक नहीं करते जाना है, क्या नेचर है, क्या फ्लो हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, आपको ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये बुक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये बुक अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आप पूरे मास्टर बन चुके होंगे। इसके ऑथर ने एक बात कही है कि इस किताब को यार एक बार नहीं पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है इस किताब को, एज अ टेक्स्ट बुक, मतलब एनसीईआरटी जैसे आप पढ़ते हैं, तो इसे अपने टेबल पर रख लीजिए और एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 5-5 बार पढ़िए, 10-10 बार पढ़िए, तो आपको ये इंसान की टेंडेंसी होती है भूल जाना, तो ये आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। लोग अक्सर करके पहली बुक अपनी यही बनाते हैं जब वो एक प्रोफेशनल कैरियर में एंट्री कर रहे होते हैं। मेरी भी पहली बुक यही थी और मुझे लगा गाइस ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी चाहिए। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।